वो क्यों हो रहा है, वो नहीं चाहता मैं किसी को बताऊं, वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले यार जो मेरे साथ कुछ। एक सेकंड, देखो रुको रुको रुको, कुछ नहीं हुआ। अहमद यार प्लीज। अच्छा मैंने उस वक्त तक कभी आदमपुर से पढ़ी नहीं है, मैं फिर भी नहीं डरी, लेकिन जब मैंने नीचे मुंह किया ना और ऐसे उठा के देखा है तो यार बाकायदा कोई खड़ा हुआ। वाह बहुत तेज चलती, लिटरली मैं लिफ्ट से निकली हूँ, आके अपने गेट को अनलॉक कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कोई गुजरा है। हमारा जो पुराना वाला घर था हमने छोड़ा भी इस वजह से था, उसके घर में बेसमेंट था और उस बेसमेंट के अंदर कुछ चीज़ें थी, मेरे छोटे भाई पे आसेब भी हो गया था, वहाँ से मेरा भाई जिन बन गया था। इस जो भी है प्लीज मैं बताइए, ये लोग से मेरे दोस्त है। कुछ नहीं हो रहा, स्पार्क हुआ है, स्पार्क हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ थोड़ा बहुत। और हम लोग हमेशा कॉमेडी पॉडकास्ट करते हैं, जो भी बातें होती हैं बरकत भाई उसमें भाई आते हैं, तो इसके अलावा मेरा एक हॉरर पॉडकास्ट भी है, वो आपने देखा और आपने मुझसे डिस्कस किया कि आपके साथ भी कुछ इस तरह के वाक़यात हैं, यानी आपकी जो आप बीती है वो आप मुझसे शेयर करना चाहती हैं, ऐसा ही है? अहमद बिल्कुल ऐसा ही है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब से मैंने आपकी हॉरर पॉडकास्ट देखने के बाद प्लान किया कि मैं आपसे अपनी चीज़ें डिस्कस करूं, हाँ वो दिन से आज तक मेरे साथ सारी चीज़ें एक्टिव हो गई हैं। ये सारे वाक्यात जो मैं आपको बताना चाहती थी वो मेरे साथ लंदन में हुए थे, लाइक आप आज से 3 साल पहले, आखिरी मैं 2020 के एंड में वापस आई थी कोविड के टाइम पर पाकिस्तान, तब ख़त्म हो गए थे क्योंकि मैंने कुछ दम वगैरह और चीज़ें वगैरह करवाई थी, उसके बाद से सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो गई थी। एक सेकंड, आपके साथ वाकयात ये हुए थे 3 साल पहले, गलबन 2021 में आखिरी, मतलब ये लगाएं 2020 के एंड में, 2021 के एंड में ये वाकयात आपके साथ एक्टिव हुए थे लंदन में, और उसके बाद जब आप कराची आई तो मामला सही हो गए, और जब से आपने मुझसे बोला कि आपने वो जो एक्सपीरियंस किया था वहाँ पर 2021 में आपने मुझसे डिस्कस करना है पॉडकास्ट में, तो ये वाक्य दोबारा एक्टिव हो गए यार वाकई। और आज ये बात को 4 दिन, 5वां दिन लग चुका है मेरे साथ, एग्जैक्टली ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं। अहमद मैंने वीडियो बना के भेजी आपको। हाँ वीडियो आपने बना के भेजी थी, और मैंने आपके पीछे क्या था मैं देख तो नहीं सका क्योंकि आपकी चीख निकली और कैमरा नीचे गिर चुका था, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हम जाएंगे दोबारा 2021 के एंड में, लंदन में क्या हुआ था आपके साथ 2020 के एंड में? हाँ क्योंकि कोविड का टाइम था, मैं उस वक्त वापस आ गई थी, मेरी मदर ने कहा कि वहाँ पे बहुत लोग मर रहे हैं तो वापस आ जाओ, यूके में आपको पता बहुत ज़्यादा बातें हुई। हुआ ये था कि कुछ स्टोरी थी ये लंदन से, बट उसके बाद मैं आपको बचपन का बताऊंगी कि एक्चुअली बचपन से मेरे साथ कुछ चीज़ें थी, वो किस तरह थी वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लंदन में क्या हुआ, मैं पहली दफ़ा गई, मैं गई एज अ स्टूडेंट था, मुझे कि हाँ मैंने जाके वहाँ फिल्म मेकिंग सीखनी है, ये करना है वो करना है। आपको पता जब स्टूडेंट्स आते हैं वो हॉस्टल्स में रहते हैं या किसी रिश्तेदार के घर रहते हैं, तो आई प्रेफर कि मैं हॉस्टल में रहूँ। हॉस्टल में रहती थी, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो थी शॉप्स बनी हुई थी, रेस्टोरेंट्स जिसमें ओपन किए हुए थे, जो आपको पता है काले वाले गोरे होते हैं उनके, हाँ। पब टाइप के थे। ऊपर वाले फ्लोर पे एक खाली फ्लोर था, उसमें उन्होंने इस तरह का डेकोरेट किया हुआ था कि कोई अपना इवेंट करना चाहे, पार्टी हो, बर्थडे हो, शादी हो, वो एक छोटा बहुत बड़ी नहीं नॉर्मल प्लेस थी, इसके ऊपर वो हॉस्टल बना हुआ था जहाँ पे हम सब एक ही कमरे में 4 लड़कियाँ शेयर करती थी बंक बेड्स। तो मेरे कमरे में मैं और एक और लड़की होती थी, तो हम 2 लड़कियाँ थी, और इस तरह मतलब इंडिया से थी, मलेशिया से थी, यूरोप की थी, जो जो स्टूडेंट्स थे और या जॉब वाले लोग थे वो हम लोगों ने एक पूरी प्लेस को शेयर किया हुआ था, सब अपना अपना रेंट पे करते थे। अब प्राइवेसी नहीं होती थी जब आप एक कमरे में इतने सारे लोगों के साथ रहें, यू डोंट हैव एनी प्राइवेसी, तो आप कहीं ना कहीं कोना ढूंढते हैं अपने लिए, फ़ोन पर बात करने के लिए या जो भी करने के लिए अपनी प्राइवेसी आपको चाहिए होती है। यार मुझे याद है मैं कॉल करने के लिए मैं नीचे आई, मतलब जहाँ पे वो इवेंट्स वगैरह होते थे, मैं वहाँ आकर बैठी हूँ और मैं आई वॉज टॉकिंग, और मैं थोड़ी सेंटी थी उस दिन, मैं घर को भी मिस कर रही थी, उससे पहले 1 घंटे पहले मेरी मम्मा से भी बात हुई थी, तो मैं जैसे दोस्त को अपनी किस्से सुना रही थी कि यार अकेला ज़िंदगी ऐसी होती वैसी होती। तो अब वो जगह मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ करती हूँ किस तरह है, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, एक लंबे से सोफे लगे होते हैं वन गो, आप आते हैं क्योंकि इवेंट होता है तो बीच में जो भी ये स्टेज बना हुआ था कि आपके शादी वादी का या बर्थडे का, लेफ्ट पे स्टेज है, उसी के बराबर में वॉशरूम का गेट है, उसी की उस साइड पर एंट्रेंस है मेन, आप ऊपर आ रहे हैं रोड से। अब मेरे राइट पर हमारे ऊपर जाने का जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, और इसी साइड पे बार बनी हुई है मेरे राइट पे, मैं यूँ बैठी हुई हूँ, आगे सामने मिरर लगा हुआ है, नीचे वही सोफे सेट हुए हैं, सोफा भी किस तरह बंद गो जैसे, ये आपके डाइस ये रखे होते हैं ना दीवान टाइप के, इसी तरह मेरे पीछे भी शीशा है, दोनों साइड पे शीशा है, कोई इधर भी होगा तो मुझे उधर नजर आएगा, उधर से नजर आएगा, आपको पता है कि मिरर कैसे आपस में क्रॉस होकर नजर आते हैं। मुझे फील हुआ है कोई गुजरा, अब फोन पर मैं बात करूँ तो आपके कोई सामने से गुजरेगा आपकी नजर जाएगी ना कि कौन है, फील हुआ है कोई गुजर गया, नजर मुझे कुछ नहीं आया।
अब मैं फ़ोन पे, मैंने सोचा शायद मेरा ध्यान है, और क्योंकि एक सुबह 7 बज रहे थे आई रिमेम्बर, और एक लाइट कमरे में उस स्टेज वाली साइड से कर्टन थे, बाहर विंडो थी, एक लाइट आ रही थी, बस इतनी रोशनी थी कि मुझे फील, मैं अपने आप भी सामने देख सकती थी, रोशनी में नहीं लाइट ऐसे देख सकती थी कि हाँ मैं बैठी हुई हूँ। जो वॉशरूम का गेट है मेरे लेफ्ट पे और राइट गेट है, वो इस तरह के गेट है क्योंकि वो है साउंड प्रूफ, और साउंड प्रूफ दरवाजे को आपको पूरा यूं करके खुलना जान लगानी पड़ती है, हाँ। जान लगानी पड़ती है, और लड़की के लिए तो और ज़्यादा हाँ। डबल हो जाती है। लड़का भी मैंने देखा था, कोई भी खोलता था तो उसको ज़ोर से खोलना पड़ता था, पूरे बाजू से। लेफ्ट पे वॉशरूम का दरवाज़ा एकदम खुला है, ऐसे आवाज़ आई है, मैंने यूँ देखा है तो दरवाज़ा इतना सा खुला हुआ है जैसे कि मेरे जितना बंदा आराम से गुजर जाए, इतना खुला हुआ है। पहले जब मैं आई थी वो बंद था वॉशरूम का, तो वैसे भी बंद होता है गेट। तो जब ये मैंने यूं देखा, तो मैंने यूं देखा तो फिर कोई गुजरा है। अच्छा, अब मैं डरने वाली इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर एक है कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है, मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग बंदा कोई नहीं है। अच्छा, मैंने उस वक्त तक अभी आयतुल कुर्सी पढ़ी नहीं है, मैं फिर भी नहीं डरी। लेकिन जब मैंने नीचे मुँह किया ना और ऐसे उठा के देखा है, तो यार बाकायदा कोई खड़ा हुआ मेरे, अब ये जब ये गुजर गया है ना, मैंने नीचे फेस किया है फोन पे और मैंने यूं देखा है तो बकायदा कोई खड़ा हुआ, और आई कांट टेल यू, मेरे गूज़बम्स एक्टिव हो गए। और पता है किस तरह खड़ा हुआ है, जैसे हल्क नहीं होता, कितना बड़ा है हल्क। उसका फेस कैसा था? यार फेस नहीं था, काला था कुछ। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपने आप को भी देख रही हूँ, तो मुझे काला नजर आ रहा है, कोई बैठा हुआ है, क्लियर फेस नहीं नजर आ रहा क्योंकि लाइट इतनी नहीं है। एक मध्यम सी रोशनी जब कमरे में होती है, आप आपको पता मिरर में आप अपने आपको देख रहे होते हैं, लेकिन आपको क्लियर छवि नहीं नजर आ रही, नजर आ रहा होता। बट ऐसा फील हो रहा है कोई चीज है जैसे पत्थर की बनी हुई है, या कोई चीज है जैसे कि, लेकिन जाइंट है। उसकी कोई आवाज, उसकी ऐसी आवाज है जैसे कोई गुजर नहीं रहा, आपको फील है बकायदा कि कोई चीज, हवा की आवाज आ रही है, लाइक हवा की लगा, हवा की आवाज नहीं थी, वो आवाज थी जैसे कोई आपको बताना चाह रहा है कि दिस इज नॉट योर टाइम, गो यहाँ से जाओ, ऐसा फील हो रहा था। अच्छा, अभी भी ना अब मुझे डर लगा है, क्योंकि जब आप बाकायदा किसी को 10 सेकंड अपने सामने खड़े हुए देखे, और वो इस वजह, और पता चल रहा हो कि ये कोई मेल है, कोई चीज भी है, वो मेल उसमें है। आपने उसको 10 सेकंड तक देखा? ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ से यूं देखती हूँ इतनी देर मैंने उसको देखा है, कि मतलब मैंने उसको रिकग्नाइज किया है। अहमद मैं कैसे बताऊँ, आज भी मैं सोचती हूँ, आई स्वेयर सी, मेरे गूज़बम्स आप देख सकते हैं। और उसके बाद उसने कोई आपको, उसके कोई बाद फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं थी? नहीं नहीं, कि तंग करना कुछ करना। मुझे एक चीज समझ आई थी कि वो टाइम मेरा बैठने का वहाँ नहीं था, उसको वो डिस्टर्ब कर रहा था। उस वक्त टाइम क्या हुआ था? सुबह के 7 बज रहे थे ऑलमोस्ट, क्योंकि रोशनी अंदर आ चुकी थी, और आपको पता उस वक्त अंधेरा कितने, 7:30 थे, क्योंकि इतने ही बजे हल्की रोशनी अंदर आती थी, और 4:30 बजे दोपहर के रात हो जाती थी। आपको पता है सर्दियों की, सर्दियों के दिन थे, ऊपर से आई थिंक नवंबर या दिसंबर की बात है, हाँ नवंबर दिसंबर था। ये मेरे साथ पहली दफ़ा हुआ, इसके बाद अभी मैं यूके नई नई गई थी, बाद में भी बड़े सारे किस्से हुए, यहाँ से चीज़ें एक्टिव हुई थी, यहाँ से चीज़ें एक्टिव हुई। तो आपके अलावा भी जो आपके साथ लड़कियां रहती थी हॉस्टल में, आपकी जो स्टूडेंट्स थी, तो क्या उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ, उनको भी कभी ऐसी चीज़ नज़र आई? स्टूडेंट्स ने तो, मैं क्योंकि सब अपनी अपनी कुछ यूरोपियन लड़की थी, उनको इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं थी, और हमें उनकी ज़बान नहीं आती, तो उनसे इतनी इंट्रैक्शन नहीं होती थी। और एक पाकिस्तानी लड़की थी, वो कहती थी कि यार मुझे कुछ फील होता है, मुझे फील होता है यहाँ है, उसको भी फील होता। लेकिन एक और वहाँ पर यूरोपियन बंदी थी, वो पुरानी थी, वो वहाँ की जैसे लुक आफ्टर करने के लिए होती है ना गर्ल्स को, कि आप केयरटेकर, लाइक केयरटेकर टाइप होती है, जो सबको आपको पंक्चुअलिटी आपकी बताती है, उसने मुझे बताई थी। अब इसके बाद क्या हुआ था, जब मैंने वो देखा है ना यार, फिर आई लिटरली आई डिड अवॉइडेड, मैंने फ़ोन, मैंने कहा हाँ ये वो, मैंने उसको देखने के बाद नज़रअंदाज किया है, तो उसने मुझे फील कराया है, मुझे फील हुआ कोई यूँ गुजरा है। अब लेफ्ट से वो आया था, राइट पे गुजरा, जो ऊपर जाने का रास्ता, उसे जाके वो दरवाज़ा खोल दिया। अल्लाह की कसम, झूठ नहीं बोल रही हूँ, जब उसने वो सीरियसली मेरे, उसने जो दरवाज़ा खोला, वो दरवाज़ा खुला रह गया। देन आई फेल्ट ही सेइंग गो रन अवे फ्रॉम हियर। यार मैं उठी, एक होल 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 होल, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, उसके बाद जो मुझे डर लगा है ना अहमद, मैं ऊपर गई हूँ अपने बंक बेड पे, क्योंकि हम बंक बेड पे सोते थे, नीचे वाला मेरा था, ऊपर एक लड़की होती थी, वो जा चुकी थी, तो हम कमरे में दो लड़कियाँ थी। मैंने जाके ब्लैंकेट उड़ा, वो फ़ोन पे मेरे दोस्त, क्या हुआ क्या हुआ, आवाज़ निकल रही थी, लिटरली मैं कांप रही थी। फिर मैंने उसको बताया, मैं कहा मेरे साथ ये सीन हुआ है,
वो दिन था, और उसके बाद मैं कभी अकेली उस पूरे कहीं से नहीं गई मैं। उसके दिन बाद आप हॉस्टल में कितने दिन रही और? यार उसके बाद मैंने मुश्किल से 20-25 दिन बाद वो छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे साथ उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी, बीमार होने लगी थी, खाना नहीं खाया जाता था, मतलब एक अजीब सी एंजाइटी डिप्रेशन सी होने लगी थी मुझे। मैं वाकई इतनी, आपको पता है जब मैं पाकिस्तान से गई थी तो मेरा वेट ऑलमोस्ट था 59-60, और उस वक्त मेरा वेट, मेरे कुछ एक महीने तक कुछ खाया नहीं था, मुझे खाया नहीं जाता था। ये नहीं कि मैं बीमार की वजह से नहीं खाया जा रहा या कुछ दिल नहीं करा, खाया नहीं जाता था, कुछ नहीं दिल करता था। मेरा वेट हो गया था 53-52 kg 20-25 दिन में धड़ मेरा वेट गिरा। मैं फ़ोन पे बात करती थी, मम्मा कहती थी क्या हो गया, मुझे कहती आप लोगों की याद आ रही है। अब वो छोड़ के अब तुम फिर दोबारा पाकिस्तान में आई? उसके हाँ फिर मैं पाकिस्तान आ गई। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा? इस तरह के हल्के फुल्के सीन जैसे हो जाते थे, चीज़ें गायब हो जाती थी मेरी, मेरे अब मैं मुझे शक होता था वो लड़की चुरा लेती है। अब वो लड़की भी उस कमरे में रहती थी तो वो कहाँ छुपाती थी? अक्सर वो जैसे नहीं होती थी तो मैं उसकी अलमारी वगैरह चेक कर लेती थी, तो कहाँ कहीं और तो नहीं थी ना जगह, हम लोगों की जो चीज़ होती थी उसी कमरे में होती थी। फिर उसके बाद तुम पाकिस्तान आई दोबारा? हाँ मैं पाकिस्तान आ गई थी उसके बाद। पाकिस्तान में टाइम तक नहीं हुआ वो सब कुछ? यार मैं पाकिस्तान आई हूँ तो मेरे साथ उस एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे कमरे में फील होता था कि कोई आदमी टाइप के मेरे कमरे में, आपकी एक मुझे नहीं पता, पता नहीं आपको, आपके कमरे में एक लड़की होगी तो आपको फील होगा कि हाँ कोई फीमेल है मेरे सराउंडिंग में, और मेल हो तो आपको एक अलग से ना मुझे वहशत आती थी। हमारा जो पुराना वाला घर था, हमने छोड़ा भी इस वजह से था, उसके घर में बेसमेंट था और उस बेसमेंट के अंदर कुछ चीज़ें थी। मेरे छोटे भाई पे आसेब भी हो गया था वहाँ से, मेरा भाई जिन बन गया था, इस स्वयर मैं आपको बता नहीं सकती उसकी स्टोरी जो हमारे साथ हुआ। और वो ही जो मैंने चीज़ देखी थी ना, उसकी शक्ल वैसी थी। मेरे भाई अक्सर मुझे मैं आपको बता रही हूँ, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी लेकिन आई कुड रिकग्नाइज कि ये कुछ ये उसी तरह की चीज़ है कोई। मैं अपने भाई को देखती थी ना। तुम्हें अपने भाई में वो कैसे दिखा, क्या मतलब? यार उसको ना वापस मैं पाकिस्तान आई थी, वो गया था ये जो उस पे जाते हैं तबलीग पे जाते हैं ना, okay. वो तबलीग पे वो थोड़ा सा नमाजी परहेजी इस तरह का लड़का है, तो वो मम्मा को बोला मैं जा रहा हूँ 3 दिन की तबलीग पे जा रहा हूँ मकली का कब्रिस्तान, आपको पता है मतली और मतली ये सेम साइड पर झील की तरफ है, हाँ उधर ही वो वहाँ गया था। अब मैं नई नई यूके से वापस आई हूँ, मुझे आए हुए एक महीना भी इस तरह ही हुआ है। उसका अचानक प्रोग्राम बनाया, पीछे मस्जिद थी वहीं पर वो जाता तो वो तबलीग लेके जा रहे थे, वो वहाँ पर चला गया। 3 दिन बाद वापस आया है, वो कुछ और था, उसके चेहरा एक, मैं क्या कह रही हूँ आपको, मेरे हेल्प बॉय टाइप का एक हल्क टाइप का देखा था, उसके चेहरे पे एक हेल्प बॉय हल्क टाइप का लुक था प्रॉपर। यार आप मेरे चेहरा चेंज हो जाए, आपने मुझे देखा है, अल्लाह ना करे मेरे कुछ चेंजिंग है, आपको पता चल जाएगा ना यार। हाँ, पता चल जाएगा, एक एटीट्यूड भी पता लग जाता है। एटीट्यूड उसका चेंज हो गया था, वो ना कुछ उसके अंदर अपने से बड़ा था, वो था उस वक्त अभी वो 16-17 साल का है, ये बात लगा लें 3-3.5 साल पुरानी, तो वो और छोटा था, 13 साल का था वो। सिर्फ उसको मुझसे नहीं नफरत थी, बाकी सबसे लड़ता था वो, मुझसे नफरत नहीं करता था, सबसे लड़ता था वो, मुझसे नहीं लड़ता था, मेरी बात सुनता जब था। तुम्हारे भाई पे ये कोई हावी हुआ तो वो तुमसे नहीं लड़ता था बस? हाँ बाकी सबसे लड़ता, सिर्फ मेरी बात मानता भी था, किसी की बात नहीं मानता था, किसी के कंट्रोल में नहीं आता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था कि पता नहीं क्या कर देगा वो। सीरियसली मेरे घर में सब डर, और मुझे यार अहमद एक बात अभी याद आई, कमरा लॉक करके सोती थी वो, अक्सर मेरे कमरे में होता था। तुम्हारा भाई? मेरा भाई कमरा लॉक करके सोते थे हम सब, वो मम्मा के साथ सोता था। एक सेकंड, जब तुम सोने लगी हो तो तुम्हारे कमरे में कोई भी नहीं है, तुमने कमरा लॉक कर दिया, लॉक कर दिया। अब जब तुम उठी हो तो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ सो रहा है। मुझे नहीं, सो नहीं रहा है, वो आके मेरे पैरों में मेरे पैर पकड़ लेता था, मैं कहती थी क्या कर रहे हो, वो कहते थे मैं आपके पांव दबाने आया हूँ। तो तुमने कभी उससे पूछा नहीं कि तुम अंदर कैसा है? वो यार आपकी चीखें निकल जाती, आपको कुछ होश ही नहीं रहता, ये उससे ये पूछने का नहीं होता था तुम अंदर कैसे, मैं कहती क्या कर रहे हो आप, और मेरे पांव दबा रहा होता था, और फिर मैं लिटरली उसको फील नहीं कराती थी कि मैं उससे डर रही हूँ, मैं बहुत डरती थी, मैं फील ही कराती थी, मैं उसको कहती थी आओ, मुन्ना बोलती थी मुन्ने आओ चले नीचे, आपको नींद नहीं आ रही? नहीं मुझे आप ही नींद नहीं आ, मुझसे बहुत प्यार, मैं आपको बता रही हूँ उसने भी मुझे कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की थी, वो लंदन वाले ने जो चीज़ दिखी। हाँ क्योंकि उसको अगर नुकसान पहुँचाना होता तो वो तुम्हें लंदन पहुँचा देता। उससे मुझे नहीं पता, उसने तुम्हें फॉलो किया, उसने मुझे रास्ता दिया कि जाओ, उसने मुझे रास्ता दिया, मुझे प्रॉपर रास्ता दिया। और
ये चीज़ें मैंने बाद में रियलाइज़ की जब मैंने अपने भाई को मैं देखती थी ना कि इसको क्या हो गया, मैं रोती थी यार। हम सब घर वाले इतना रोते थे उसके लिए कि, और उसके फिर दिमागी हालत जब हमने उसे सारा कुछ उतरवाया, चीज़ें की, बड़ी जगह लेके गए हम उसको, उसके बाद उसकी दिमागी हालत नहीं सही रहती थी। उसको हमने उसको प्रॉपर इलाज करवाया मेंटल हॉस्पिटल से, यहाँ से वहाँ से, अब जाके वो ठीक हुआ है अल्लाह का शुक्र। जितना हमने उसके लिए किया है ना, कोई किसी किस्म की हमने चीज़ें नहीं छोड़ी। ये सारे वाक़यात तुम बता रही हो 2020 के एंड के? ये 2020 में मैं वापस आ गई हूँ, उसके बाद शुरू हुए, उसके बाद ये 2021 के एंड तक ये सब कुछ चलता रहा। ये सब कुछ चलता रहा लेकिन 3 साल तक, क्योंकि अभी हम 2024 में, सुकून रहा 3 साल। मैंने जब तुम्हें पॉडकास्ट के लिए बोला और तुमने बोला कि जो मुझ पे बीती है वो मैं आपके शो में बताना चाहती हूँ, हाँ। उसके बाद से एक हफ्ते पहले ये होने लगा है सब कुछ। पांचवा दिन है आज। अब मुझे बताओ, जो तुमने मुझे वीडियो भेजी थी आज से तकरीबन 4 दिन पहले, आज चौथा दिन हो चुका है, चौथा दिन हो चुका है। जब तक तुम वीडियो बना रही थी उस वक्त तो सब कुछ सही था, ठीक है। जब तुम वीडियो बंद करने वाली थी तो एंड में क्या हुआ था? वो तुमने चीख मारी और मोबाइल गिर गया था, वो क्या हुआ था? अहमद, ये स्टोरी मैं बताती हूँ शुरू कैसा हुआ, हाँ। हमने डिस्कस किया, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। फैमिली सारी मेरी गई हुई है, आपको पता है उमरा और ये सारा, इन लोगों का चीज़ें चल रही थी, लोग आउट ऑफ कंट्री हैं। मैं जिस दिन वुमेंस डे था उस दिन मुझे, आपको पता है लड़कियों को वुमेंस डे पे फूल वूल मिलते हैं, मुझे फूल वगैरह मिले, मैं भाई रिसेप्शन से लेकर आई क्योंकि मैं नहीं थी घर पर, तो मुझे फ़ोन आया कि आपके फूल वगैरह कुछ पड़े में वो ले जाए मैम आके। मैं नीचे गई हूँ, बाहर मैंने देखा कि शायद थोड़ी हवा चल रही है, मैं बाहर निकली हूँ, मैं थोड़ी देर 2 मिनट खड़ी हुई होंगी ठंडी हवा में, फूल हाथ पे पकड़े हुए अंदर आ गई हूँ। अंदर आई हूँ, लिफ्ट ली, ऊपर आई हूँ, मेरा फ्लोर थोड़ा ऊपर है तो हवा बहुत तेज चलती है। लिटरली मैं लिफ्ट से निकली हूँ, आके अपने गेट को अनलॉक कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कोई गुजरा है, जो मेरे साथ लंदन में हुआ था। ये वही वाली फीलिंग्स है एग्जैक्टली, मुझे लगा कोई गुजरा है क्योंकि देखो मैं नीचे, मेरे ना सिक्स सेंस थोड़ी तेज है, कोई वहाँ से भी गुजर रहा होगा मुझे नजर आ जाएगा, या दूर से सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, थोड़ा सा इस तरह मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नजरें मजरें तेज हैं तो फील हुआ। मैंने फौरन पलट के देखा, जबकि कहते कि आपको कोई फील हो तो आप कभी पलटो नहीं, पलट के नहीं देखना चाहिए, नहीं हाँ। देखना चाहिए यार, मैं अहमकाना तरीके से पीछे मुड़ी, कोई भी नहीं था। फिर आई थॉट शायद ऊपर है हवा, हवा हो गई और हवा बहुत तेज। कौन सा फ्लोर है तुम्हारा? 9th फ्लोर है, लेकिन 9th में वो बेसमेंट और ये वो मिला के वो 11-12 पड़ता है ऑलमोस्ट। हवा चलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसकी क्रॉस वेंटिलेशन इतनी है कि आप दरवाज़ा एक खोल दें तो धड़ 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 होना शुरू हो जाते हैं। मेरे सब बड़े बड़े सीन हुए हैं, आपको मैं बताऊंगी, आप कहेंगे तुम कैसे इतनी बहादुर हो। फिर उन फूलों के साथ क्या हुआ? दरवाज़ा खोल के अंदर आई हूँ, हाँ। ठीक है, मेरी आदत है, फूलों को बड़ी मोहब्बत है, मैं उनको फ़ौरन वास में पानी वानी डालकर रखती हूँ। अब मैं उसको बनाकर वास उठाया मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर ही, अंदर आते लेफ्ट पे मेरा डाइनिंग टेबल और किचन है, मैं वास में डाल, मैंने पानी भरा वास उठा के उसके अंदर फूल डालने लगी हूँ। अहमद दोबारा अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रही, मेरे यहाँ पीछे ऐसे किसी ने फूका है। ये तुम्हारा वहम भी तो हो सकता है। अहमद दो दफ़े एक साथ वहम कैसे हो सकते हैं? फूक मुझे फील हुई है मेरी गर्दन पे, मेरे बाल उड़े हैं, मुझे फील हुआ है मेरे बाल उड़े। तुमने वो फूक बालों के हिलने की हद तक फील करी है या फिर अपने कानों से भी फूक की आवाज़ सुनी है? फूक की आवाज़ सुनी है मैंने, फूक की आवाज़ सुनी है, मेरे नेक पे फील हुई है, मेरे बाल यूं हुए। मैं वहमी लड़की नहीं हूँ, मैं तो वो हूँ कि आंखों से देख के भी मैं किसी को ना बताऊँ कि मैंने क्या देख लिया है, यू नो, इतना मेरे अंदर वो कंट्रोल है ताकि दूसरा ना डर जाए। मैंने अगर ये स्टोरी अगर मेरी माँ देखेगी, मेरी माँ कहेगी यूसरा तुमने क्यों बताई, तुम्हारे साथ देखो दोबारा शुरू हो गया। फिर उसके बाद फिर से देखो गूज़बम्स आ गए मेरे। ये हुआ है यार, मैंने बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी ना, लाइक मैं नहीं डरती लेकिन मैं जब डरूँ तो मैं, मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ आ जाऊँ। वो दिन ये चीज़ शुरू हुई है, उसके बाद मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और मैं लाइट खोल कर नहीं सोती घर की, मैंने लाइटें खोली है अपने रूम की, नहीं खोली कि मुझे पता था मुझे लाइट में नींद नहीं है, कि मैंने सारी लाउंज वगैरह की लाइट खोल के दरवाज़ा खोले। आज भी एक और सीन भी हुआ, वो भी बताती हूँ। मैं सो गई बट मुझे रात भर नींद नहीं आई, मैंने आपको 4 बजे वीडियो बना के भेजी कि देखो मेरे साथ, जब मैंने आपको वीडियो बना के भेजी देखा फिर दोबारा मेरे साथ वही सीन हुआ। उससे पहले ये हो चुका था, जब मैंने आपको वीडियो बना के भेजी है ना, आप इसमें लगाइएगा जो वीडियो मैंने आपको भेजी है अहमद, वही मैंने आपको बता रही हूँ कि अहमद देखो मैं यहाँ से अंदर आई, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और लिटरली जब मैंने आपको बैक कैमरा करके दिखाया ना, सीरियसली मैंने ऐसे देखा है कोई यूं गुजरा, मेरी चीख निकल गई है अहमद। और उस दिन से मुझे कुछ ना कुछ आवाज़ें आई जा रही हैं, गड़ 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 गे वो गड़, मुझे लग रहा है शायद बराबर में कंस्ट्रक्शन हो रही है। रात के 3 बजे कौन सी कंस्ट्रक्शन होगी,
रात के 2 बजे से आवाज़ें आ रही हैं, सुबह अजानों से पहले पहले तक आवाज़ें आ रही हैं, अजान होगी आवाज़ें ख़त्म, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ दोपहर भर आती है जो नॉर्मल चल रही है, बराबर में बिल्डिंग बन रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक वीडियो बना रही थी, मैंने ना नोटिस किया लेकिन वो मैंने किसी को बताया नहीं। मैं हमेशा ना हाथ छोड़ के कभी एक हाथ से वेप पी रही होती हूँ या एक हाथ से वीडियो बना रही होती ना भाई की, तो मैंने देखती मेरे स्टीयरिंग कोई संभालता है गाड़ी का, मेरी गाड़ी के स्टीयरिंग कोई संभालता है। एक सेकंड, तुम कह रही हो कि तुम ड्राइविंग करते वक्त एक हाथ से वेप पीती हो और एक हाथ से वीडियो बना रही होती हो, तो तुम्हें ऐसा फील होता है स्टीयरिंग कोई संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है यार ये बात ना, मैं चुप करके हमेशा 2-3 दफ़ा, अच्छा मैंने बनाई है देख की वीडियो ना, बाद में देखती हूँ ना, मैंने नोटिस किया है कि ये तो मैं वेप पी रही थी, वेप की जो धुआं गाड़ी से उड़ रहा होता है ना, मैं वीडियो उसकी बना रही होती हूँ। ज़ाहिर है मेरे एक हाथ में वेप है, एक हाथ में मोबाइल है, तो मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग मुड़ते हुए देखा है कि ज़रा सा कोई यूँ हो कि गाड़ी हुई है। अब इसकी ना मैंने ना चुप, मैंने नहीं बोला था कि मैं आपको बताऊँगी, मैंने कहा वीडियो बनाती हूँ आपको भेजूँगी ताकि आप जब हम पॉडकास्ट करें उसमें लगाएं। उस दिन मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है, ये भी मैं बताऊँ आपको, और वो एक्सीडेंट भी ऐसा अजीब हुआ है जो आपको पता है ना, मैं अपनी गाड़ी में नहीं आई। एक्सीडेंट कैसे हुआ वो भी मैं बताती हूँ कैसे हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, मैं वीडियो बना रही, मैंने देखी मेरे स्टीयरिंग, मैंने प्रॉपर ना स्टीयरिंग कवर करने की कोशिश की ताकि व्यूवर्स को नज़र आए कि मैंने कहीं से पकड़ा हुआ नहीं है और स्टीयरिंग हिल रहा है। कैसे हिलेगा, सिविक है मेरे पास, सिविक का कैसे हिलेगा। फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट तो खैर मैंने किसी को नहीं जाके मारा, मैं क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर जाके आगे अच्छा उस दिन मैं सोच रही थी, मैं कह रही थी देखो वाकई मेरे साथ कोई अच्छा सीन है जो मुझे हेल्प करता है, मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं होने देता, मैं कभी वीडियो बना रही हूँ कुछ हो रही हूँ कभी नहीं ठोकी, ये मैंने सोचा ही था। सीरियसली कोई 10 मिनट भी नहीं गुजरे हैं, मैं आई हूँ क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर, क्लिफ्टन ब्रिज के ऊपर आगे सारा ट्रैफिक जाम हो गया, मैं रुक गई, पीछे से धड़ करके आके रिक्शे वाला मेरी गाड़ी में लगा और उसने कोई 11 लोग बैठे हुए थे, मतलब बच्चे औरतें लड़के, कई वो बेचारे गरीब जैसे गांव से लोग नहीं आ जाते सीवीवी देखने के लिए आए होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, मैंने उसी दिन सोचा है मेरा ज़िंदगी में एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक बार मेरा बहुत पहले हुआ था, मैं गाड़ी चलाते चलाते सो गई थी, वो भी गाड़ी जब मैं उठी होती थी साइड में खड़ी हुई, कोई मैं 10 सेकेंड ही सोई होंगी, वो भी जाके आराम से साइड में खड़ी हो गई, वरना सोते हुए आप तो कहाँ से कहाँ, और 60 की स्पीड मुझे आखिरी याद है कि मैंने देखी थी 60 थी और मैं आई हुई भी यही कहीं आपके एरिया में ही थी। ये हुआ था, बट उस दिन जो मेरे साथ हुआ है कि मैंने उसी दिन सोचा है, उसी दिन हुआ है, और फिर ये 4-5 दिन से हो भी मेरे साथ सब कुछ ऐसा रहा। अब मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि ये सब तुम्हारा वहम तो नहीं है, क्योंकि वहम 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा होता है, और क्योंकि एक्सीडेंट होना एक फिज़िकल एक्टिविटी है और तुम्हारे साथ ये फिज़िकल एक्टिविटी हो चुकी है। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं अकेला घर में रहता हूँ तो मुझे कभी डर नहीं लगता, लेकिन जब मैं कोई हॉरर मूवी देख लेता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। तो वो डर होता क्या है कि फिज़िकली तो कुछ नहीं होता, वो मेरा वहम होता है। तो मैं तुम्हें, तुमने जो बात बताई मुझे, मैं इस पर बिलीव करता हूँ, क्योंकि तुमने कसम भी खा ली है, मैं इस पर बिलीव करता हूँ ऐसा होता है, लेकिन इस वक्त जो तुम्हारी कंडीशन है मुझे ऐसा लग रहा है ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बोला तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे माइंड में आई ना दोबारा। अहमद वहम 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार मेरे साथ रियलिटी में हो रहा है। ये मान लो ये तुम्हारा वहम है, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, वो नहीं चाहता मैं किसी को बताऊं, वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले यार जो मेरे साथ कुछ। एक सेकंड देखो, रुको रुको रुको, कुछ नहीं हुआ। अहमद यार प्लीज, आई थिंक हमें शो खत्म करना चाहिए। कुछ नहीं हुआ, यही हूँ मैं यही हूँ, तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या यार, इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल, पता तुम लोगों के साथ कोई मसले ना हो, कोई मसले नहीं हो रहे। जो जो भी है प्लीज, मैं बताइए, ये लोग से मेरे दोस्त है, कुछ नहीं हो रहा, स्पार्क हुआ यार। पता है देखो, जब से मेरे साथ ये होने लगा है मेरी जिंदगी में, अहमद कोई लड़की, देखो लड़कियां कमिटेड होती हैं, आई एम नॉट, क्योंकि अच्छा अब ये जो हुआ है तुम इसको भी उसी का नाम दे रही हो, वही था, ये ग्लिचेस हमारी शूट पे रहते हैं, अक्सर ऐसा होता है। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं पिछले हफ्ते क्या हुआ था, मैं तुम्हें बताता हूँ, पिछले हफ्ते हमारे एसी का जो वो है, वो जो मेन स्विच लगा हुआ है ना, उसमें स्पार्क हो गया था, हम सब ने मिल के आग बुझाई थी। अब मैं क्या समझूँ, उस वक्त भी कोई था, देखो मेरी बात सुनो, जब तक कोई अल्लाह ना करे, तुम फिज़िकल मटेरियल
उसको रिकॉग्नाइज ना कर लो, क्योंकि अभी भी जो तुम बातें कर रही हो वो तुम 100% श्योर नहीं हो, वो था लेकिन जब मैं तुमसे हुलिया पूछ रहा हूँ तो तुम उसको बता नहीं करी, और अल्लाह करे कि ऐसा हो ही ना कुछ भी तुम्हारे साथ, तुम हुलिया उसका बता ही ना पाओ। एक बात बोलो, हाँ सारी चीजें मेरा वहम है, हाँ मैं भी मान लेती हूँ, ठीक है आपकी बात को, जो मेरे भाई के साथ जो हुआ उसमें मैं मेरा अकेले का, ये नॉर्मल है होना। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी भाभी के साथ ऐसा हो चुका है, तो यानी कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, सुनो सुनो सुनो, ये चीजें हैं, ये चीजें बरहक हैं, ये चीजें मैं मानता हूं, लेकिन जो भी हो रहा है उसी का नाम दे देना इसको। एक और छोटी सी बात बताऊंगी, ये लंदन से शुरू नहीं हुआ किस्सा, ये मेरे जब हम छोटे होते थे डैड होते थे तो डैड अक्सर आते थे, सो गाड़ी थोड़ी सी दूर जिसे वो पार्क करते थे ना, उनके साथ एक बिल्ला आ गया था एक बार साथ में, मतलब जहाँ पे उन्होंने पार्क की थी वहाँ थोड़ी झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, किसी का खाली प्लॉट था, वहाँ से एक बिल्ला उनके साथ चलता हुआ आ गया था, वो बस हर वक्त मेरे डैड के साथ चिपका रहता था, पता नहीं कुछ था, वो बिल्ला नहीं था, हम छोटे थे आई स्वेयर, और वो हमारे घर में ही बैठा रहता था, वो जाता ही नहीं था, जब मेरे डैड आते थे वो तब आ जाता था, वो कहाँ से इल्हाम उसको होता था कि इनके अब्बा आ गए आ जाओ। और मेरी मदर जब छोटी थी ना, उनके साथ ऐसे ऐसे सीन हुए थे, मदर बताती हैं कि वो बाहर गई हुई थी और उनको बकरी का बच्चा मिला, बकरी के बच्चे को उन्होंने, छोटा था हम छोटे होते तो हम ठा लेते बिल्ली का बच्चा, जैसे हम बिल्लियों के बच्चे को। तुम्हारी मदर बाहर गई, मतलब छोटी थी, बाहर कहीं निकली हुई होंगी मदर, मेरी मदर छोटी थी जब, आठ नौ दस साल की या बारह साल की, इस तरह बाहर बकरी का बच्चा मिला, उन्होंने गोद में उठा लिया। ये रियल वाक्य बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी अम्मा ने बताया हमें, वो कहती है मैंने बकरी का बच्चा उठा लिया, मैं जा रही हूँ, मुझे भारी लगता जा रहा है, ये तो हल्का सा उठाया था, भारी लगता जा रहा है, कहनी मैं गली के एंड तक पहुँची हूँ तो देखा बकरी के पाँव वहीं पे, बकरी मेरी गोद में, छलावा नहीं सुनते थे हम, ये वो जो अलग अलग रूप ढाल लेता है, हाँ छलावा कहते हैं उसको अहमद, ये एक्चुअली होते मेरे साथ सीन यार, मेरे ये मदर को भी ऐसा हुआ बचपन में, डैड के साथ भी ये हुआ, और भी बहुत सारे सीन्स हैं, अगर मैं बताना शुरू करूँगी तो ये एक एपिसोड कुछ भी नहीं है। फिर मैं बोलूँगा कि अच्छा हाँ, हमारे माशरे में बहुत सारे नेक लोग भी हैं, दम दुरुद वगैरह करते हैं, मेरी मदर इज, आप उनको भी दिखाएं, माय मदर इज काइंड ऑफ पीरनी, हम लोग सैयद है, तो मम्मा वैसे भी हिजाब, और वो क्योंकि शी सऊदी, मेरे नाना जो थे वो अरबी थे सऊदी, तो ये सब कुछ उनका सऊदीया में ही हुआ था, और आपको पता है सऊदीया तो सिर्फ एक वो उस तरह का रेगिस्तान हुआ करता था, मेरी माँ अगर इस वक्त 45-46 साल के, तो वो आप और पीछे चले जाए 30 साल पहले, तो वो 30 साल पहले सऊदीया किस तरह का था आप इमेजिन कर सकते हैं। एक और चीज, ये भी मैं मजाक नहीं कर रही यार, हम छोटे थे हमें लगता था कि मजाक है, हम छोटे होते थे तब भी मजाक समझते थे, मेरी कभी बहन भाई आए ना यहाँ पर आप उनसे भी पूछिएगा स्टोरी, हम छोटे होते थे, मेरी खाला है वो हमें किस्सा सुना, हमें ना ऊपर छत पे लेके बैठ जाती थी, ग्रिल था छत पे, तो छत पे वो पाकिस्तान में, तो वो लेके बैठती थी, वो कहती थी यूं करके वो कुछ पकड़ती थी, हम दो तीन बहन भाई होते थे या कोई खाला का बच्चा, दूसरी खाला का बच्चा भी होता था, वो मैरिड नहीं थी, अनमैरिड थी, मतलब लाइक वो जैसे आज मैं हूँ ना उस वक्त वो इस शक्ल की थी, मेरी काफ़ी लोग अपनी खाला में भी मिलती हैं, या वो यूँ करके पकड़ती थी और हमें ना कैरी देती थी, कभी आम की कैरी नहीं होती, कभी हमें कुछ देती थी, कभी कुछ देती थी, और वो पता क्या बताती थी हमें, कहती थी नानी को हम अम्मी कहते थे, वो भी अम्मी कहती थी अपनी मम्मा को, कहती थी अम्मी को नहीं बताना ये ना मुझे एक बोना जिन देता है। तुम्हारी खाला थी, सगी खाला, वो ऐसे करके कुछ अपने हाथ में लेती थी, कभी आम कभी कैरी, और वो कहती थी उनको हमें देती थी, हम कहते बोना जिन देता है, हाँ हम पूछते थे कहाँ से आया, और वो कहती थी कि मुझे ये बोना जिन देता है, हाँ, और वो हमें दिखाती भी थी बुखड़ा हुआ, तो कभी तुम लोग नहीं नजर आता था, एक बार मुझे बहुत बाद में नजर आया था कि ऊपर से हम लोग ना ऊपर छत पे ना रोजाना जाके छत पे बैठ जाते थे थोड़ी ठंडी हवा के लिए, वो छत क्या था ग्रिल टाइप था, जैसे ऊपर अंदर से स्टेयर्स थी, वो ग्रिल पूरा लगा हुआ था, उनके छत का ऊपर बनना था घर नानी का, तो पहले ग्रिल लगा होता था और उसके ऊपर शेड्स वगैरह थे, पुराने टाइप में हम छोटे थे तो उस टाइप के घर पता नहीं क्या कहते हैं, नया नया नानी का घर बना था जो पाकिस्तान आए थे, तो वो एक बार मैंने देखा था जब हम कहते थे चले ऊपर चले, हमें वो कैरी खानी है, कभी चीज़ भी होती थी, कभी कोई टॉफ़ी होती थी, कभी कोई बच्चे पापड़ नहीं खाते बचपन में, स्नैक्स होते थे, कुछ ना कुछ देती थी, अब वो हमारे साथ ऊपर लेके जाएंगे तो हम तो उनका हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ते थे, कहाँ छुपाएंगे इतनी सारी चीज़ें, तो उस वक्त हमें झूठ भी लगता था। एक बार मैंने ना ऊपर ऐसे ना ऊपर ऐसा लग रहा था कोई कर रहा है, क्योंकि वो ग्रिल है नानी के सबसे फ्लोर नीचे एक ऊपर, ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर वो ग्रिल लगा हुआ है जिस पर हम जाके बैठ जाते थे
स्पेशली लाइट जाती थी तब बैठते थे। चिचिचित कर मैंने देखा तो ऊपर वाकई छोटा सा इतना सा बच्चा था। अब मुझे तो बच्चा ही लगा था ना उस वक्त की, कोई छोटा बच्चा है। तुम्हारी एज कितनी थी उस वक्त? 7 साल की होंगी, 8 साल की होंगी शायद मैं। 7 साल तुम्हारी मेमोरी में वो याद रह गया तुम्हें? मुझे, मैं 3-4 साल की थी, मुझे वो बात भी याद है। मेरे डैड आते थे तो मैं उनके लिए पानी की बोतल निकाल के लाती थी। बट 3 साल तक मुझे याद है कि उससे पहले के किससे नहीं याद होते जब आप थोड़ा होश संभालते हैं। हाँ। तो आपको समझ, 7-8 साल वाली बात है तो मुझे क्लियर याद है। ऑलमोस्ट एक्टिविटी है, इसने कभी तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ज्यादा? यार देखो, एक चीज का इधर उधर हो जाना नॉर्मल चीज है, इंसान कभी कभी रख के भी भूल जाता है। लेकिन कभी कभी कोई, अल्लाह ना करे, कोई फिजिकल नुकसान, कोई ऐसा फिजिकल नहीं, लेकिन मेरी उस खाला की शादी भी बहुत मुश्किल से हुई। रिश्ते आते थे, टूट जाते थे, और जब उनकी शादी हुई वो उस दिन से दुखी हैं। उनके घर में बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं, स्पेशली उनके हस्बैंड के साथ ज़्यादा रहते हैं। जॉब के मसले, उनकी लड़ाइयाँ, ये वो, उनकी वो ये चीज़ें। और पता है एक और चीज़, मुझे झूठ, हम छोटे थे हम सोचे शायद हमें वो इनकी खुद की है ये, लेकिन घर में भी नहीं नज़र आते थे। मैं आम की कैरियाँ पड़ी हुई कहाँ से आती थी, खाला बाहर भी नहीं जाती थी, नानी तो उनको नहीं ला के देती होंगी। जब वो हमें मना करिए नानी को नहीं बताना कि हमने कैरी खाई है, कुछ खाई है। यार हम ना, उनका ड्राइंग रूम था, उसमें जैसे हम जब जाते थे तो वो ड्राइंग रूम में नीचे बिस्तर बिछा के सोती थी, वरना तो वो ज़ाहिर बेडरूम में सोती होंगी। जब हम 2-3 बहन भाई हम जाते थे, 3 बहनें होती थी हम, और छोटा भाई भी, बड़ा वाला भाई भी छोटा ही था उस वक्त, तो ये एक आधा और कज़न आया होता था, अब्दुल्ला नाम है मेरे कज़न का, और हम सारे कज़न सब गए होते थे। वो ड्राइंग रूम में से बिस्तर बिछाते थे, हम सब साथ लेटते थे। कोई हर बंदा लड़ता था, मैं खाला के साथ लेटूंगा, खाला के साथ। तो वो एक साइड पे मुझे रखती थी, मैं उनकी फेवरेट भी थी। तो ना मैंने एक दफ़ा आँख खोली मेरी तो ना वो खाला ना किसी से बातें कर रही थी, ऐसे इशारे से ना, ये वो करके ना, जैसे किसी का इंट्रो करवा रही है। नहीं नहीं, जैसे उसको बोल रही जाओ जाओ, और लेटी भी हमारे साथ बिल्कुल बीच में, 2-3 बच्चे इस तरफ हैं, 2-3 बच्चे इस तरफ हैं। वो किसी से, मैंने उस दिन देखा और लिटरली ऐसे, आपको शायद पता हो, अभी भी शायद आती है कि नहीं आती, इस तरह के वो एक एकोरियम कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं वो, इस तरह के एक बॉक्सेस बने आते थे, उसके अंदर डिफरेंट लाइट्स चल रही होती थी और वो आपके ऊपर दीवार पर शेड दे रहा होता है। आते हैं ऐसे भी, इस तरह की चीज़ें अभी भी आती हैं, बट वो डिफरेंट, उस ज़माने में थोड़ी, हमारे घर नानी के घर में बड़ा यूनिक सा होता था, वो भी सऊदीया वगैरह से उस वक्त लेके आए थे, जिसमें वो ऐसे पेड़ पेड़ से उसके अंदर बने हुए थे, उसके अंदर लाइट चलती थी, तो पूरे कमरे में एक डिफरेंट रोशनी होती थी। तो वो इतनी रोशनी थी कि फील हो रहा था कि वो ये कर रही हैं, ये कर रही हैं। और उसके बाद जो मैं आपको बता रही हूँ उनके साथ जब भी ये सीन हुआ, और उसके अगले दिन क्या हुआ था, मैंने कांच की जैसे जैम की बोतल होती है उसमें उनके घर ना सरसों का तेल था। खाला ने कहा कि यूसरा ये जाके ना यहाँ से डाइनिंग टेबल पे पड़ा था, उन्होंने कहा जाके उठा के ना इसको वहाँ रख दो, किचन में रख दो। मैंने उठाया, वो मुझसे बोतल गिर गई पूरी। वो बोतल गिरी तो मैं उठाने लगी, मेरी पूरी आज तक ये निशान है, मेरी पूरी यहाँ तक उंगली कट गई उसी की सुबह जिस दिन ये हुआ है, और अगले दिन मेरी उंगली कट गई। और फिर वो इतनी गंदी कटी थी कि मेरी उंगली लटक गई थी पूरी, यहाँ से जॉइंट से कटी थी, और अभी भी निशान है मेरे। तो ये रियल सीन्स हैं सारे। हमें लगता है कि हमारा दिमाग का, हम अक्सर अभी भी पूछते हैं खाला से, बुरा जिन था तो वो हंसती। अब तुम्हारी खाला नॉर्मल है? खाला ने मेरी, वैसे मुझे लगता है हल्की हल्की नॉर्मल नहीं है वो। मम्मा बोलती है कि तुम पागल है वो, तो अब क्योंकि वो थोड़ी सी ऐसी हरकतें करती होंगी कि वो यार मासूम नहीं होते जैसे लोग, जिनके एक चालाक बंदा होता है, एक होता बावला, थोड़ी सी बावली सी हो गई है मुझे तो लगता है। अच्छी खासी थी यार वो, पता नहीं क्या हुआ उनको। खैर हाँ, मैं यही तो वहम नहीं होते, नहीं वहम, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए जिन्नात तो होते हैं, ये तो बराक है, ठीक है, लेकिन 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 एक आई कॉन्फिडेंशियल एक चीज़ होती है कि मैंने देख लिया। और मैं आपको सीरियसली, मैं लिटरली आपको एक बात बता रहा हूँ, जब कोई इंसान अल्लाह न करे किसी के सामने आए, क्योंकि जो मैंने इमेजेस में देखा है, क्योंकि मैं हिस्ट्री का थोड़ा शौकीन हूँ, मैं पुराने निकालता हूँ कोई, तो जो मैं उनकी इमेजेस देखता हूँ, इमेजेस पता नहीं उनकी, लोग कहते हैं आती ही नहीं है, लेकिन जो भी मैंने देखी हैं तो वो तो बहुत ख़तरनाक है। अगर मैं इमेजिन करता हूँ कि जो इमेजेस मैंने देखी हैं अगर वो मेरे सामने आ जाए, अल्लाह ना करे, तो वो तो हो सकता है किसी ने तस्वुर में उस बना दी हो पेंटिंग, या कोई कैप्चर, जैसे मैं आपको तस्वुर बता रही हूँ वो बनाएं तो वो चीज़ बन जाएगी, वो चीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर एक्चुअल में कोई उसको देख ले तो मुझे नहीं लगता वो जिंदा बचेगा। एक बात तो ये तय हो गई, बहुत खतरनाक है। और अगर जिंदा बचेगा भी तो मुझे नहीं लगता वो नॉर्मल होगा, ठीक है।
या तो कोई बहुत ही कोई पढ़ने वाला हो, कोई बहुत ही नेक इंसान हो, वो उसके अगर वश में हो तो फिर अलग बात है। लेकिन 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 मैं मानता हूँ जिन्नात को, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि मैं अगर एक चीज इधर से उधर रख के भूल गया तो ये जिन्नात का काम है। ये तो मेरे दिमाग की वीकनेस है ना। और जो तुमने बात करी फिर मैं फिर उसी को ये, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं तीसरी बार पॉडकास्ट में इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि जब मैंने तुमसे कहा कि यार पॉडकास्ट करनी है, ये चीज़ें तुम्हारे माइंड ने दोबारा, ये अलार्म है ना, ये तुम्हारा बजा, वो सारे तुम अपने माजी में चले गई। और उससे पहले तो नहीं था, 3 साल पहले, तो 3 साल तक छुपा हुआ था, तुम गाड़ी मेरी कौन चला रहा था? 3 साल तक तुम बोले वो छुट्टी पे गया हुआ था। नहीं, तीन साल तक छुट्टी पे गया हुआ था और फिर वो आ गया। 3 साल तक वो था, लेकिन उसको पता था, मैं अपने घर में नहीं किसी को बताती यार कि ये, एक दो दफा मैंने शायद ये वो वाला लंदन वाला किस्सा सुना है यार। चलो ठीक है, एक बात हो, एक छुट्टी, दो बातें कहूंगी, मुझे ये भी बताओ, ये भी वहम है। ओहो, तो खैर पॉडकास्ट को खत्म कर रहे हैं क्योंकि ऑफर हमारी भैंस बहुत ज्यादा हुई है। और मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अगर ये है भी तो ये आपसे दूर हो जाए, और अगर ये वहम है तो तब भी ये दूर हो जाए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप आ रही हैं, क्योंकि जो रिमेनिंग है, जो ऑफेयर है, वो आप मुझसे डिस्कस करेंगी, ठीक है? और अभी आप बिल्कुल चिल मार रहे हैं यार, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ है नहीं, ये होता है, मैंने माना, लेकिन थोड़ा सा आप थोड़ा माइंड से भी बाहर निकलें, ठीक है? तो आज की पॉडकास्ट को अपने फीडबैक देना है, और अगली पॉडकास्ट का इंतज़ार करें, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डर गया हूँ। अल्लाह हाफिज़।